हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के ओल्टेक में। ये सिग्ना 3518 भारत पेट्रोलियम गैस टैंकर है। थोड़ा ड्राइवर साहब से जानकारी लेंगे और कंप्लेन यही मेरे पास लेकर के आए, गाड़ी एक्सेलेटर छोड़ रहा है, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा ड्राइवर साहब से भी जानकारी लेंगे। थोड़ा बताइएगा भैया, क्या हो रहा है गाड़ी में? अरे प्रॉब्लम तो ऐसे चलते चलते कहीं भी झटका लगता है तो कट कर देता है एक्सेलेटर छोड़ देता है। फिर डैशबोर्ड में चेक लाइट आ जाता है इंजन वाला। अच्छा, स्टॉप इंजन लिखता है? इंजन स्टॉप लिखता है। ठीक है, तो गाड़ी में स्कैनर भी लगा करके चेक करेंगे कौन सा कोड आ रहा है। और अभी बाहर बाहर से वायरिंग भी हम चेक किए, तो इसमें वायरिंग का फॉल्ट है, कौन सा वायरिंग का फॉल्ट है इसका भी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम मल्टीमीटर उठाते हैं, विदाउट लैपटॉप स्कैनर का अभी चेक करेंगे कि कौन सा कोड है इसमें। वहाँ जो एक्सेलेटर के पास जितना करंट आना चाहिए वो सब करंट आ रहा है कि नहीं, खोले हैं और क्या डैशबोर्ड खोल के काम करना पड़ेगा कि ऐसे ही काम करेंगे वो भी जानकारी देंगे। थोड़ा सा करंट सिस्टम समझ लीजिए। लो पकड़ो भाई, वीडियो थोड़ा पकड़ना, बढ़िया से दिखाना, ठीक है? कोई तरह अभी यहाँ पे कवर हम ओपन कर दिए हैं, वो काम दूसरा करेंगे इसके वजह से, क्योंकि इसमें वायरिंग का फॉल्ट है कि एक्सेलेटर का फॉल्ट है, कवर पे मत फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हम गाड़ी रुको ऊपर चढ़ते हैं, शुरू से दिखा देते हैं। अभी देखिए इग्निशन ऑन है और मीटर पे एमाइल वाला आ रहा है और चेक बैटरी वाला आ रहा है माइनस प्लस। गाड़ी न्यूट्रल है और अब गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गया, आरपीएम भी मेरा 550 या 600 पे चला गया, 650 पे आरपीएम है और कोई भी मीटर पे सिग्नल नहीं है। और ड्राइवर साहब का कंप्लेन यही है कि गाड़ी जैसे अगर कभी डाइब्रेशन उब्रेशन में या थोड़ा सा भी झटका उठका पड़ता है तो एक्सेलेटर छोड़ देता है, एक तो एक्सेलेटर छोड़ देता है, यही ना? तो अभी हम एक्सेलेटर फुल लेकर के चेक करते हैं। वायरिंग हिलाना, देखिए अभी एक्सेलेटर ले रहा है, अभी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है? अब उधर जा करके जो रेडिएटर के पास जो वायरिंग है उसको थोड़ा हिलाना, जाओ खड़ी गाड़ी पे कोई नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, हिलाने दीजिए ना, हिला। वायरिंग भी हिलाया वहाँ पे, फिर भी नहीं प्रॉब्लम हुआ, समस्या समझ में आ गया, बंद करते हैं। अब समस्या को समाधान बताते हैं और प्रॉब्लम क्या है ये समझाते हैं आपको। ये जब गाड़ी चलता है ना तब डैशबोर्ड के अंदर जो इसका मेन कपलर है ना उस साइड वहाँ पे जो मेन जंक्शन आता है वहीं से छोड़ पकड़ कर रहा है। इसका मतलब ड्राइवर साहब का कंप्लेन यही है मेन कि जब गाड़ी चलता है तो प्रॉब्लम करता है, खड़ा खड़ा गाड़ी में कोई इशू नहीं है या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब हम एक्सेलेटर पेडल के पास करंट चेक करेंगे। दो ठो आपको 5 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा, 2 सिग्नल मिलेगा, 2 ग्राउंड मिलेगा। कौन सा तार पे सिग्नल मिलता है, कौन सा तार पे ग्राउंड मिलता है और कौन सा तार पे 5 वोल्ट का सप्लाई मिलता है ये भी समझ लीजिए। लीजिए पकड़ो, चाबी तो ऑन है। गाड़ी का दिक्कत ये कि खड़ा खड़ा ऐसे चेक करता है, एजेंसी में भी इस चेक कर देगा, बोलेगा कहाँ आपका गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, एजेंसी में ही हम देखे नहीं करते। हाँ, एजेंसी में जाइएगा ऐसे चेक कर देगा, स्टार्ट करके बोलेगा कोई समस्या नहीं है आपका गाड़ी में। मैं 3-4 बार लैपटॉप लगवाया ना, गाड़ी फिर भी नहीं सुधरा। फिर भी नहीं सुधरा, दिख रहा है भाई? ये वाला ग्राउंड है, इधर से ए नंबर ग्राउंड, बी नंबर सिग्नल, सी नंबर 5 वोल्ट सप्लाई का, देखिए यहाँ पे एबीसीडी दिख रहा है, है सी नंबर 5 वोल्ट सप्लाई है, फिर डी नंबर भी 5 वोल्ट का सप्लाई है और ये हो जाता है ई नंबर सिग्नल है और एफ नंबर भी ग्राउंड है। तो ये दोनों साइड ग्राउंड हो जाता है, उसके बगल में हो जाता है सिग्नल और दोनों बीच में जो बचता है वो 5-5 वोल्ट का सप्लाई होता है, इसमें भी 5 वोल्ट का सप्लाई और इसमें भी 5 वोल्ट का सप्लाई। अभी हम चेक करते हैं कौन सा तार पे सप्लाई मिल रहा है, लगाते हैं यहाँ ग्राउंड और चेक करते हैं इस सिग्नल वाला तार है इस पर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 वोल्ट का सप्लाई है, इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस पर कुछ नहीं आ रहा, इस पर भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक,
करंट तो अभी ठीक है, 5 वोल्ट का सप्लाई ठीक मिल गया। और ग्राउंड चेक करते हैं दोनों से साइड मिला करके, कंटिन्यूटी मल्टीमीटर को पहले बीप में डालते हैं। ठीक है, ग्राउंड ठीक है, इधर करो ना, सिग्नल वाला में कोई प्रकार से दिक्कत नहीं है। फिर वोल्टेज में सेट करो, फिर वोल्टेज चेक करते हैं, 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। और इसमें भी 5 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है। चलिए वायरिंग तो ठीक है, लेकिन समस्या यही है कि जब ये इसका गाड़ी चलता है रोड पे, डब्रेशन वगैरह आता है, तब ऊपर वाला कपलर से जो डैशबोर्ड में कपलर दिया है वहाँ से हिल डोल करता है। मोबाइल देना, इनलाइन मिनी कनेक्ट है, वो वाला मोबाइल दो ना, मिनी कनेक्ट करके रखे हैं इनलाइन मिनी। अब देखते हैं फॉल्ट कोड से कौन सा कोड जनरेट कर रहा है, ये चेक कर लेंगे। बहुत वायरिंग का डैशबोर्ड में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करा देते हैं। अभी दो ठो कोड एक्टिव में दिखा रहा है, इसको तो लगाना पड़ेगा ना भाई। लगा दिए दोनों कोड इनएक्टिव हो गया। 1241 जो है ना एक्सेलेटर पेडल का है, अगर ये 1241 एक्टिव हो जाएगा तो ये एक्सेलेटर पेडल खराब हो जाता है। 1241 कोड में 132 ये भी 5 वोल्ट सप्लाई का है, इंजन मिसिंग हो रहा है। और एक और है 1696, ये भी 35-65 यूरिया का, इस पर हमको काम नहीं कर रहा। 1696 देखिए कितना मरतबा काउंट किया है, 11436। ये भी 5 वोल्ट का सप्लाई का दिक्कत है, या तो फिर सिग्नल का दिक्कत होता है। इसके वजह से इसमें जब ये करंट छोड़ेगा तो मीटर में आपका स्टॉप वाला इंजन दिखा देगा और एक्सेलेटर छोड़ देगा, तब जा करके एक्सेलेटर नहीं लेगा, फिर थोड़ा सा वायरिंग वायरिंग फिर डब्रेशन में जाएगा, फिर पकड़ लेगा। तो कितना मरतबा कौन कर गया, ये 11000 मरतबा कौन कर गया। 1239 ये भी एक्सेलेटर पेडले का, सिग्नल भी छोड़ रहा है, वोल्टेज भी छोड़ रहा है और ग्राउंड भी छोड़ रहा है। ये जो 1696 है ना, इस सिग्नल का है, जैसे ये एक तार सिग्नल हो जाता है और एक ये तार सिग्नल हो जाता है, और ये दोनों वोल्टेज का और ये दोनों ग्राउंड, तो 6 तार का समस्या चल रहा है आपका ऊपर से, ठीक है। तो इसमें काम यही करना है कि अभी डैशबोर्ड खुला करके नहीं करेंगे, आइए इधर, यहाँ पे करंट ठीक है, बाहर आ गया तो डैशबोर्ड नहीं खुलाइएगा, यहाँ भी चेक कर लेते हैं सप्लाई। 3 कपलर है, और ये वाला तो जो यूरिया मीटर आपका उठता है, लैपटॉप कनेक्ट होता है, ये 3 वोल्ट और 2 वोल्ट सप्लाई होता है उसमें। ये 6 तार है एक्सेलेटर का, जो एक्सेलेटर पेडल के पास आपको दिख रहा था, सेम कलर कोड इसमें भी है, सेम कलर कोड इसमें भी है। करंट चेक करते हैं यहाँ पे कि इंजन तरफ से प्रॉब्लम है कि डैशबोर्ड में प्रॉब्लम है। ग्राउंड यहाँ लगाते हैं, दिखा इधर, छोड़ना है ना। नीचे से इस पर आएगा 5 वोल्ट सप्लाई, इस पर भी आ रहा 5 वोल्ट सप्लाई, दो ठो हो गया, और एक ये है 4, और ये दोनों नीचे वाला है, ठीक है। डैशबोर्ड से ही प्रॉब्लम है, तो डैशबोर्ड क्या कीजिएगा, डैशबोर्ड का काम कराना है आपको? नहीं नहीं भैया, नहीं कराना है, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ड्राइवर साहब का कहना यही है, ड्राइवर साहब का कहना नहीं है, मालिक का कहना है कि हम डैशबोर्ड खुला करके नहीं काम करेंगे। तो इसमें हम एक जुगाड़ इसमें कर सकते हैं अलग से, बहुत सा कंप्लेन रहता है कि भाई अगर हम डैशबोर्ड नहीं खुलाएंगे तो कैसे काम करेंगे एक्सेलेटर का। तो 6 तार लेना है ओरिजिनल, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट तार ले लीजिए फिर से प्रॉब्लम करें एक्सेलेटर का, क्योंकि एक्सेलेटर पर बहुत ज़्यादा जोर है। 6 तार कलर बा कलर कोड से, यहाँ से कटिंग नहीं करना है इसको डायरेक्ट, ऐसा नहीं तार काट करके इधर उड़ा दिए हम और इधर उड़ा दिए उसके बाद ले गए, यहाँ से तार छील करके और वहाँ भी तार छील करके सेम कलर कोड तार लगा करके फिर आपको दिखाते हैं हम। रोक दे वीडियो, एक तार आ गया है इधर, एक एक करके करना है नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। अभी यहाँ तो खोल दो और इसको हटाओ, तार देखो भाई वहाँ भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, यहाँ भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, एक एक करके काम करेंगे।
पहले बात सेफ्टी में भी करना है, बहुत सावधानी से करना है। कवर इसके वजह से खोले थे हम, सबसे पहले लगाते हैं हरा वाला में जो 5 वोल्ट का सप्लाई आता है, इसको खाली छीलना है। टेप है भाई? टेप हाँ ला। टेप दीजिएगा तो भैया उधर से वहाँ से टेप दीजिएगा। एक एक करके इसी तरह करके वहाँ भी, जैसे यहाँ हरा लगाएं तो वहाँ भी हरा लगाना। दीजिए टेप, दीजिए टेप, टेप ब्लैक टेप दीजिए। लंबा मत कर दो वीडियो, 10 मिनट है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो। जैसे यहाँ हरा लग गया, चलो उस साइड चलो। फिट हो गया है, चार वायर और जोड़े के हरा वाला लगाए थे ना। ये भी है हरा वाला वायर, तो इस पर भी छील करके लगाना है। देख रहे हैं तार का कौन सा कंडीशन हो गया, छोड़ छोड़ करके बिल्कुल ब्लैक हो गया। वो क्या करेगा, एक्सलेटर छोड़ेगा नहीं, हम चलते ही कंबल नहीं। तो इसी प्रकार के हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। चलो रोक दो। देखिए रेड कलर का तार था जो हम मंगाए थे, गोल्ड मेडल का ओरिजिनल तार है, और एक एक करके तार काटे नहीं है, तार छील करके जैसे इधर रेड पे ब्लैक लकीर है तो उधर भी रेड पे ब्लैक लकीर, इस प्रकार से कलर बाय कलर कोड में जंप कर दिए हैं, वायर कटिंग नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि वायर कटिंग नहीं करना है, वायर कटिंग कर दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मालिक फिर गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा वायर कटिंग कर दिया। अब इसको क्या करना है, बढ़िया से टेपिंग करके और फिर गाड़ी छोड़ देंगे, क्योंकि काम हो गया है, इतना ही काम था एक्सेलेटर छोड़ने से रिलेटेड। दिखा इधर थोड़ा भाई, किस प्रकार से काम किया है। यहाँ देखिए कलर बाय कलर कोड जॉइंट किया है। ठीक है, 6 तार हो गया, यहाँ भी कंप्लीट है। चलो दिमाग ज़्यादा लगा लिया तो। चलो